दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट। न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। बनारस में किसान नाराज हैं क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सांसदीय क्षेत्र है। और देखिए कि यहाँ पे किसान लोग आए हैं और ये किसान नेता हैं। ये बताइए कि किसान यहाँ पे क्यों नाराज हैं, क्या तकलीफ है इनको? मोहन राय ट्रांसपोर्ट नगर योजना से प्रभावित ये 1998 की योजना है, और आज तक किसान केवल अपने वैधानिक अधिकार के लिए सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, उनसे ये गुहार लगाते हैं, लेकिन पूरा नहीं होता है। दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, और यहाँ भी प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री जी से लेकर के सारे लोगों से, मोहन राय ट्रांसपोर्ट नगर योजना से प्रभावित किसान यही कह रहा है कि हमको मुआवजा नहीं चाहिए, हमको कोई योजना का लाभ नहीं चाहिए, हमको जो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 जो कहता है उस कानून का केवल पालन करा दीजिए, उसके तहत हक और अधिकार के तहत हमको हक और अधिकार दे दीजिए। लेकिन बनारस का प्रशासन किसानों के हक अधिकार पे डाका डालने के लिए वहाँ पे बिना किसी नियम कानून के जा करके कहता है कि 1998 में जब से योजना के लिए जो अधिसूचना जारी हुई थी उसके बाद किसान वहाँ पे काबिज है, तो उनसे वो 20-25 साल का वो किराया लेंगे। अंग्रेजों के सरकार में भी ऐसा नहीं हुआ था कि अंग्रेज की सरकार जिनकी पुश्तैनी ज़मीन है उन्हीं से जा कर के और उनसे उनको बेदखल करने की बात करें और उनसे 20-25-30 साल का किराया की बात करें। और ये प्रधानमंत्री का क्षेत्र है। हम लोग आज BDA के उपाध्यक्ष से मिलकर के वार्ता किए हैं और उनसे यही कहे हैं कि भूमि अधिग्रहण कानून का जो प्रावधान है उस प्रावधान का आप भी पालन करिए। किसान उसका पालन करने के लिए तैयार है, लेकिन भूमि अधिग्रहण कानून का उल्लंघन करके अगर किसानों के हक अधिकार पर डाका डालने की अगर कोशिश करेंगे तो किसान अभी तक संघर्ष करता चलाया है, अब संघर्ष को अंजाम तक पहुंचाने के लिए संकल्पित है, क्योंकि संघर्ष बहुत हो गया। अब किसानों अब देख रहे हैं आपकी यहाँ पे जो ये इनको संघर्ष करते हुए मेवा भैया हैं, छेदी चचा हैं, तिवारी जी हैं, इन लोगों को संघर्ष करते करते 300 साल हो गया। इनके बेटियों की और इनके बेटों की शादियाँ नहीं होती हैं, केवल इसलिए नहीं होती हैं कि इनके ज़मीन पर से ज़बरदस्ती बिना मुआवजा दिए बिना इनकी सहमति से इनका नाम काट के वाराणसी विकास प्राधिकरण का दर्ज कर दिया गया है। तो कोई भी अपने बेटी का हाथ इनके बेटे से पीला कैसे करेगा कि इनकी ज़मीन पर इनका ही नाम नहीं है। इसलिए सामाजिक रूप से इतना ये लोग प्रताड़ित हो गए हैं कि अब हम लोग आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं, और नरेंद्र मोदी जी से ये गुहार लगा रहे हैं कि अब अपने संसदीय क्षेत्र में अगर आप नहीं जग करके और किसानों को वैधानिक अधिकार दिलवाएंगे तो अब किसान मर जाएगा, लेकिन अब चैन से नहीं बैठेगा। इस बार की होली शायद इन किसानों की होली नहीं मनाएंगे, क्योंकि हम लोग होली का भी बहिष्कार करेंगे, क्योंकि अगर किसानों का वैधानिक अधिकारों का हनन होगा तो किसान क्या होली मनाएगा। पर्व तब मनाया जाता है जब खुशियां आती हैं घरों में, और यहाँ तो खुशियों पे खुशियां देने की बात नहीं है, केवल ये निधि वो निधि की बात हो रही है, और किसानों का जो वैधानिक इनका अधिकार है उसको अगर नहीं दिया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि किसानों के साथ बनारस के नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में क्या हो रहा है। ठीक है, क्या कहेंगे आप किसान हैं, क्या कुछ दिक्कतें हो रही हैं आपके साथ? दिक्कत साहब समस्या 20-22 बरिस से नाम कट गया, कोई बच्चियों का ब्याह शादी करेंगे पैसा चाहिए ना, और न हम लोग तो कुछ लोन कोई सुविधा मिली नहीं रहा है, नाम कट गया हमारा है ही नहीं, हम लोग परेशान हैं ना, विशाद विशाद रेहर रख गया, लोन लेकर शादी करते ना, हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग गरीब आदमी तो पैसा वाले नहीं है, सब समस्या खड़ी हुई है। इसीलिए हम लोग उद्यान विभाग से हम लोग पौधा गेना का पौधा लगाए, आज तक वो पैसा भी नहीं मिला, ये जो है कि कोई हमको बना अथवा सरकारी सुविधा नहीं मिल पाती है, हम लोग बेचैन है, खाली सरकारी सुविधा नहीं मिलती है, अतः ये सरकार निकम्मी है। सब शादी करने कोई नहीं आता है, कौन शादी करने आएगा, हमारे पास कोई ज़मीनें नहीं है, लोग यही नहीं पूछते हैं कि कुछ ज़मीन है, कब में शादी होगा, एक मड़ी लगा कर रहेंगे उसमें शादी होगा बच्चियों का, यही समस्या है। ये नाम काट के पड़े हुए बिना पूछे बिना समझे नाम काट दिए। तो आप लोगों को सूचित नहीं किया गया था कि आप लोगों के अधिग्रहण किया जा रहा है, इस पे रोड बनेगा, इस पे तमाम तरह की सुनिए भाई साहब, इसी राइफल क्लब मीटिंग हो रहा था, हम लोग सभी आए थे तिवारी जी के भाई साहब थे, तो लालजी टंडन आवास विकास मंत्री थे, उनके आदमी लोग कुछ कहे भाई ठीक है आपके विचारों में विचार विमर्श किया जाएगा, जब उधर नाश्ता पानी करने गए घर में तो इनके भाई साहब दरवाजे के नीचे लटक के सुन रहे थे, तो कह रहे हैं काट दो नाम, ये पढ़े लिखे कम है डर के मारे ले लेंगे, वही लालजी टंडन ने नाम कटवाया है। ठीक है, तो देखिए ये किसान है, बनारस के किसान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसदी के किसान है, और ये किसान नाराज हैं
इनका ये सीधे तौर पर आरोप है कि बिना इनसे इजाज़त लिए भूमि अधिग्रहण कर लिया गया, और यहाँ तक ये लोग किसान ये कह रहे हैं कि शादी विवाह में भी काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में जिला प्रशासन या यहाँ की जो भीड़ है क्या कुछ इनके साथ न्याय करती है। हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़े इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।